बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ लॉ ए पार्ट के लिए प्रूव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। हमने क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है फॉलोइंग लॉज को, ये फोर्थ लॉ को इसमें वेरीफाई करेंगे थ्रू वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स के जरिए। और कौन से सेट इस्तेमाल करने हैं, गिवन सेट्स, ये हमारा ए पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर बी पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे इसको। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स, तकाते का कानून तकसीमी बाले हाथ यूनियन, इसको हमने वेरीफाई करना है। हमें ए पार्ट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 एंड बी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11 एंड सी इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड 15। ये हमें ए बी और सी तीन सेट्स दिए हुए हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वेरीफाई करना है। हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या होता है। ए इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रेसेस स्टार्ट बी यूनियन सी स्मॉल ब्रेसेस क्लोज इज इक्वल टू स्मॉल ब्रेसेस स्टार्ट ए इंटरसेक्शन बी ब्रेसेस क्लोज यूनियन ब्रेसेस स्टार्ट ए इंटरसेक्शन सी ब्रेसेस क्लोज। इन ब्रेसेस को स्टार्ट एंड क्लोज को इनटू भी कहते हैं। अब इस लॉ के अंदर हमारे पास दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके हम प्रूव करेंगे। ए इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस स्टार्ट बी यूनियन सी पैरेंथेसिस क्लोज, और राइट हैंड साइड पर हमें जो गिवन है उसे राइट हैंड साइड पर लिखकर इसी साइड पर सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे उसका। फिर उसके बाद हम वेन डायग्राम बनाएंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट ए इंटरसेक्शन बी पैरेंथेसिस क्लोज यूनियन पैरेंथेसिस स्टार्ट ए इंटरसेक्शन सी पैरेंथेसिस क्लोज। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम जिस सीक्वेंस में सेट दिए हुए उसी सीक्वेंस से हम लिखेंगे। इसमें फर्स्ट है ए, तो ए का सेट हम यहां पर लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसके बाद पैरेंथेसिस से स्टार्ट हो रही है, यानी कि स्मॉल ब्रेसेस छोटी ब्रैकेट हम लगा देंगे। फिर बी का सेट है, तो बी का सेट यहां से लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। इसके बाद फिर यूनियन का साइन है, हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। फिर सी का सेट है, तो सी का सेट हम यहां से लिखेंगे 3, 6, 9, 12 एंड 15। पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है, हम भी पैरेंथेसिस क्लोज कर लेंगे। अब हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं कि पैरेंथेसिस वाले सेट्स को पहले सॉल्व करते हैं और बाहर वाले सेट के साथ उसका सॉल्यूशन बाद में निकालते हैं, तो पहले पैरेंथेसिस वाले सेट्स को सॉल्व करेंगे। बाहर वाला सेट कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 इंटरसेक्शन का साइन। अब हमने इन दोनों सेट से एक सेट यूनियन का निकालना है, इन दोनों के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन है। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं। तमाम एलिमेंट्स लिखने जा रहे हैं 1, 3, 5 फिर 6, 7 सेवन के बाद फिर 8 नहीं है 9 9 के बाद 11 फिर ये 12 और 15। जो एलिमेंट्स दो दफा आ रहे थे उन्हें एक ही दफा लिखा जाता है। सेट की डेफिनेशन के मुताबिक कोई एलिमेंट दो दफा नहीं लिखा जा सकता, और आप देखें कि दोनों सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जो हमने ना लिखा हो। तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लिया यूनियन में। अब इस यूनियन को निकालने के बाद इसका इंटरसेक्शन बाहर वाले सेट के साथ निकालना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स यानी कि मुश्तरक अरकान जो दोनों में अरकान मौजूद हों उनको लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है जो दोनों में मौजूद हों। 2 यहाँ मौजूद है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, 4 भी नहीं करता, इसके बाद 6 दोनों में एग्जिस्ट करता है, हम 6 को इंक्लूड करेंगे। फिर 8 नहीं करता, 10 नहीं है, और फिर 12 दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो 12 को भी इंक्लूड कर लेंगे। इसके एलिमेंट्स खत्म हो गए, मजीद कंपेयर करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं था, इसलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया। अब इस आंसर की मदद से हम वेन डायग्राम के जो सर्कल्स हैं उनको शेडेड करते हैं। तो सर्कल पहले बनाएंगे इसी के मुताबिक, लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक
हम इस वेन डायग्राम वाले यूनिवर्सल बॉक्स, ये जो यू लिखा हुआ यूनिवर्सल बॉक्स है, हम इसके नीचे जो चीज हम वेरीफाई करने जा रहे हैं वो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, ए इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस स्टार्ट बी यूनियन सी। अब देखें पहले पैरेंथेसिस के अंदर है बी यूनियन सी, तो हम पहले बी और सी के सर्कल बनाएंगे, और जो बाय ए जो है वो पैरेंथेसिस के बाहर है, हम एक का सर्कल बाद में बनाएंगे। तो बी और सी का सर्कल बनाने से पहले मैं सी का सर्कल सेंटर में बना लेता हूं, सी का सर्कल बना लिया है। अब इसके बाद हमने बी का सर्कल बनाना है, लेकिन बी का सर्कल बनाने से पहले हमने देखना है कि बी और सी के एलिमेंट्स कितने कॉमन है, जितने एलिमेंट्स इसके कॉमन होंगे उतना हिस्सा बी और सी का इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि एक दूसरे को पिता करेगा सर्कल्स का। तो बी और सी को हम कंपेयर करके देखें तो हमें नजर आता है कि 3 एंड 9 दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, इनके दो एलिमेंट्स इन दोनों में ऐसे हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है, तो दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा इन सर्कल्स का कॉमन आएगा। हम यहाँ पे बी का जो सर्कल बनाएंगे, दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा कॉमन लेकर यहाँ पे बी का सर्कल बन जाएगा, जो कॉमन हिस्से के एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर लिखे जाएंगे 3 एंड 9। अब इसके बाद बी और सी के सर्कल बनाने के बाद हमने ए का सर्कल बनाना है, लेकिन ए का सर्कल बनाने से पहले हमें देखना है कि ए के कितने एलिमेंट्स बी के साथ कॉमन है और ए के कितने एलिमेंट्स सी के साथ कॉमन है। जितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे उतना हिस्सा इसका अंदर से इंटरसेक्ट करेगा, किता करेगा। पहले ए को बी के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तो ए और बी के एलिमेंट्स देखें 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, एंड बी के अंदर है 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ये सारे इवन नंबर्स हैं, जुफ्त तादाद हैं, और बी के अंदर सारे ऑड नंबर्स यानी कि ता तादाद हैं, तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, कोई भी एलिमेंट इनके अंदर ऐसा नहीं है जो कॉमन आता हो या एक जैसा हो, इसलिए ए का जो सर्कल बनेगा वो बी को किता नहीं करेगा, बी के साथ उसका इंटरसेक्शन नहीं बनेगा, वो बी से दूर रहेगा। अब ए को हम सी के साथ कंपेयर करने लगे हैं, तो ए के एलिमेंट्स को सी के साथ कंपेयर करने से पता चलता है कि ए के अंदर हमारे पास 6 एंड 12 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, ए और सी के सेट्स में, यानी कि दो एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट दोनों में ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो ए का जो सर्कल बनाना है वो सी के साथ दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा इसका इंटरसेक्ट करवाना है, किता करवाना है। तो यहाँ पे ए का सर्कल बनाते हैं, ये देखें तकरीबन दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाया है, और जो हिस्सा इसका मुश्तरिक है उसके एलिमेंट्स उसमें मुश्तरिक एलिमेंट्स भी लिख देंगे जो कॉमन है 6 एंड 12। अब इसके बाद ए के जो बाकी एलिमेंट्स हैं, ये देखें ए के सर्कल में 6 एंड 12 तो आ गया है, 6 एंड 12 के अलावा 2, 4, 8, 10 बचते हैं, तो 2, 4, 8 एंड 10 ये गैर मुश्तरिक हैं, ये एलिमेंट्स इसके अंदर लिख दिए। अब बी के एलिमेंट्स देखते हैं, बी के सर्कल के अंदर अगर आप देखें 3 एंड 9 बी के सर्कल के अंदर लिखे जा चुके हैं, कॉमन हिस्से में बेशक लेकिन वो बी के सर्कल का हिस्सा है। 3 एंड 9 के अलावा आप देखें 1, 5, 7 एंड 11, तो जो कॉमन नहीं है 1, 5, 7 एंड 11 ये एलिमेंट्स इसके अंदर लिख दिए जाएंगे। अब सी के सर्कल के एलिमेंट्स देखते हैं, सी के सर्कल में अगर आप देखें कि इस सर्कल के अंदर 3, 9, 6, 12 इनके 3, 6, 9 एंड 12 ये चार एलिमेंट्स हम ऑलरेडी सी के सर्कल में लिख चुके हैं, और एक अकेला 15 जो है वो हमारे पास बाकी बचता है, तो 15 क्योंकि किसी के साथ कॉमन नहीं है तो इसे सी के बाय वाले गैर मुश्तरक हिस्से में लिख देंगे। अब हम आंसर के जरिए इसको शेड्यूल करते हैं, तो आंसर के अंदर आप देखें हमारे पास आया 6 एंड 12, हम ढूंढेंगे 6 एंड 12 कहाँ है, तो 6 एंड 12 का ही कॉमन वाला हिस्सा 6 एंड 12 है, तो हम इसको शेड्यूल करके बताएंगे कि ये वाला हमारा आंसर आया है। आप वर्टिकल या परपेंडिकुलर या फिर हॉरिजेंटल लाइंस के जरिए इनको शेड्यूल कर सकते हैं, ये हमने शेड्यूल कर दिया, ये शेड्यूल हिस्सा बता रहा है कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी उसके आंसर में ये वाला हिस्सा शामिल है, यानी कि 6 एंड 12 हमारा आंसर आया है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बना लिया है, अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो राइट हैंड साइड में जो चीज दी हुई है उसको पहले वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो राइट हैंड साइड में हमें दो पैरेंथेसिस के सेट्स दिए हुए हैं, हम इनको पैरेंथेसिस के हिसाब से सॉल्व करेंगे। पैरेंथेसिस स्टार्ट होती है, इसके बाद ए का सेट है, तो ए का सेट यहां से लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, हम इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। फिर बी का सेट है, बी का सेट यहां से लिखेंगे
1, 3, 5, 7, 9 and 11। पैरेंथेसिस क्लोज हो गई, हम भी पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। इसके बाद यूनियन का साइन है, हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है, हम भी स्टार्ट करेंगे। ए का सेट है तो ए का सेट यहां से दोबारा लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 and 12। इसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर स्पेस खत्म हो गई है तो सी वाला सेट लिखना है, सी वाला सेट हम नीचे लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर, क्योंकि अभी पैरेंथेसिस हमने क्लोज नहीं किया। ये वाली सी के सेट है 3, 6, 9, 12 and 15। अब पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है तो हम भी पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। अब जिस तरह हमें पैरेंथेसिस के अंदर दिया हुआ है सेट्स का ऑपरेशन, उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ये जो दो सेट्स हैं इनका इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है। इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स के अंदर देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 and 12, 1, 3, 5, 7, 9 and 11। इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो या दोनों में मौजूद हो, इसलिए कोई एलिमेंट इसका मुश्तरिक नहीं आता, कॉमन नहीं आता, ये खाली सेट या नल सेट रहेगा। इसके बाद यूनियन का साइन है, हम यहाँ पे यूनियन का साइन लगाएंगे। इसके बाद इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स में हमें सिर्फ 6 and 12, ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में मौजूद हैं। इसके अलावा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में एग्जिस्ट करता हो या कॉमन आ सकता हो। तो 6 and 12 क्योंकि इनके इंटरसेक्शन में कॉमन आया है, हम इसको इस सेट में इंक्लूड करेंगे, 6 and 12। इसके बाद इन दो सेट्स का हमें यूनियन निकालना है, दरमियान में यूनियन का साइन है। यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट लिखते हैं, इसके अंदर तो कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है और दूसरे सेट के अंदर 6 and 12 है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के यूनियन में 6 and 12 आ जाएगा। ये हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकाला है। अब इसकी मदद से हम वेन डायग्राम बनाएंगे राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में हमें जो चीज गिवन है वो इसके यूनिवर्सल साइड के बॉक्स के नीचे लिख लेंगे। पैरेंथेसिस स्टार्ट ए, इंटरसेक्शन बी, पैरेंथेसिस क्लोज यूनियन, पैरेंथेसिस स्टार्ट ए, इंटरसेक्शन सी, पैरेंथेसिस क्लोज। अब हमने सर्कल्स बनाने हैं, किसके मुताबिक बनाने हैं, जिस तरह से हमें चीज को गिवन होती है, जिस तरह से हमने सॉल्व किया है। तो ए इंटरसेक्शन बी है, हमने ए और बी का सर्कल बनाना है, और ए और बी का सर्कल बनाने से पहले हमने देखना है कि इन दोनों के दरमियान में कौन से एलिमेंट्स और कितने एलिमेंट्स कॉमन है। तो सबसे पहले ए दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ए का सर्कल बना लेंगे, ए का सर्कल बना लिया। अब बी का सर्कल बनाना है, तो बी का सर्कल बनाने से पहले ए के साथ उसे कंपेयर करके देखा जाता है कि आया कि इन दोनों के दरमियान कोई एलिमेंट्स कॉमन है या नहीं है। अगर कॉमन होंगे तो बी का सर्कल उतना ही जितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे या मुश्तरिक होंगे, उतने एलिमेंट्स जितना हिस्सा इसका इंटरसेक्ट करेगा मुश्तरिक आएगा। तो अगर ए और बी को हम कंपेयर करें तो कोई एलिमेंट ऐसा नजर नहीं आता जो दोनों के अंदर कॉमन आता हो, क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं, जुफ्ता दाद हैं, और ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ताका दाद हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने किया था। तो इसका मतलब है कि जब कोई एलिमेंट बी और ए का कॉमन नहीं है तो बी का जो सर्कल बनाना है हमने वो ए से कुछ फासले पर बनेगा, ए से कुछ दूर बनेगा। ये हमने बी का सर्कल बना लिया, इन दोनों के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब इसके बाद हमने आगे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए और सी का सर्कल, ए का तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अब सी का सर्कल बनाना है। तो सी का सर्कल बनाने से पहले हम ए और बी के साथ सी को कंपेयर करके देखना है कि सी के साथ, सी के ए के साथ कितने एलिमेंट्स कॉमन है और सी के बी के साथ कितने एलिमेंट्स कॉमन है। जितने जितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे सी का उतना हिस्सा ए और बी को इंटरसेक्ट करेगा, कितना करेगा। पहले सी को ए के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तो सी और ए को कंपेयर करके देखें तो हमें नजर आएगा कि 6 and 12, यहाँ पे 6 and 12, ये सिर्फ दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सी और ए में कॉमन है, यानी कि दो एलिमेंट्स जितना हिस्सा सी का ए को कितना करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब आपने ये माइंड में रखना है कि जब सर्कल बनाना है तो उसमें दो एलिमेंट्स ए को कितना करेंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे, लेकिन सर्कल बनाने से पहले हम बी के साथ भी कंपेयर करके देखेंगे कि आया कि बी के साथ भी सी इंटरसेक्ट कर रहा है, कितना कर रहा है या नहीं। अब सी को जब बी के साथ कंपेयर करके देखते हैं,
तो इसमें नजर आता है हमें 3 एंड 9, इसमें 3 एंड 9 दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी के साथ कॉमन है, यानी कि बी के साथ भी दो एलिमेंट्स इतना हिस्सा इंटरसेक्ट करेगा अंदरूनी तौर पर। तो दो एलिमेंट्स सी के जो है वो ए के साथ कॉमन है, दो एलिमेंट्स बी के साथ, दो दो एलिमेंट्स इतना हिस्सा इनका कॉमन बनाएंगे, ये सी का सर्कल आ गया। अब ए के साथ जो एलिमेंट्स कॉमन थे वो थे 6 एंड 12, तो कॉमन हिस्से में 6 एंड 12 लिखेंगे, और बी के साथ जो सी के एलिमेंट्स कॉमन थे वो 3 एंड 9 थे, तो इसके कॉमन हिस्से के अंदर 3 एंड 9 लिखेंगे। अब इसके बाद हम जो बाकी एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन नहीं है, गैर मुश्तरिक हैं, उनको लिखेंगे। ए के 6 एंड 12 तो एलिमेंट्स कॉमन आ गए हैं, तो 6 एंड 12 के अलावा 2, 4, 8, 10 ये कॉमन नहीं है, तो इनको ए के सर्कल में बाहर की तरफ लिखेंगे, 2, 4, 8 एंड 10। इसके बाद अब बी के हम लिखते हैं एलिमेंट्स, बी के 3 एंड 9 तो लिख दिए एलिमेंट्स इसके सर्कल में, 3 एंड 9 के अलावा 1, 5, 7 एंड 11 ये कॉमन नहीं है, तो इनको बी के सर्कल में गैर मुश्तरक हिस्से में लिख देंगे, 1, 5, 7 एंड 11। अब सी को अगर देखें तो सी के अंदर 6, 12, 3 एंड 9 ये चार एलिमेंट्स जो हैं ये सी के सर्कल के अंदर आ चुके हैं। अब कौन सा एलिमेंट रह गया है, ये 15, ये 15 अभी नहीं लिखा, तो ये किसी के साथ कॉमन नहीं है, तो 15 इस जगह पर आएगा। अब हमने क्या करना है, आंसर की मदद से हमने शेडिट करना है, यानी कि वेन डायग्राम के सर्कल्स के अंदर बताना है कि हमारा आंसर कौन सा है। तो आंसर हमारा आया था 6 एंड 12। 6 एंड 12 अगर आप देखें तो यहाँ आपको नजर आ रहा है ये वाला कॉमन हिस्सा 6 एंड 12 का है, तो जो हमारा आंसर होता है उतने हिस्से को हम शेडिट कर देते हैं, और शेडिट हिस्सा ये बताता है, वेन डायग्राम को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये आंसर आया था 6 एंड 12 वाला हिस्सा। अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाई थी और ये हमने राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाई। अगर आप दोनों वेन डायग्राम्स को कंपेयर करें तो दोनों वेन डायग्राम्स बिल्कुल एक जैसी हैं और उनका एक ही जगह वाला हिस्सा शेडेड है, बिल्कुल सेम है, और जो इनके हमने आंसर निकाले थे लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के वो भी आंसर बिल्कुल सेम है, यानी कि आंसर और वेन डायग्राम बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अब ये वाला जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है वो लिख देंगे कि हमने प्रूव कर दिया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक साइड थी इस लॉ की और राइट हैंड साइड पे दूसरी साइड थी, तो हम लिख सकते हैं ए हेंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस बी यूनियन सी पैरेंथेसिस क्लोज इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू साइन यूनियन का आगे और आगे इंटू में ए इंटरसेक्शन सी। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ लॉ ए पार्ट के लिए वेरीफाई किया है, और एट द एंड मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया है और बिल्कुल आंसर भी हमारा दुरुस्त आया है, हमने इसको बड़े बेहतर तरीके से वेरीफाई कर लिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।